अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ तुम सब खैरियत से हो गया। भाई आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। और यार मैंने YouTube से क्विट कर दिया था लेकिन मैं वापस आ गया। इसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो मैं आपको वीडियो के एंड बताऊंगा, ताकि भाई जो जो मेरे सब्सक्राइबर थे जो मेरे साथ जुड़े हुए थे सिर्फ वही देख पाएँ। और अगर तुम लोगों को भी अगर शौक है तो फिर देख लेना यार वीडियो के एंड में। लेकिन अभी का सीन ये है भाई, न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और अभी हम आए हुए हैं बाबू के चिप्स खाने। बाबू असल में एक है फ्राइज वाला जो बादलाबाद को होता है, उसके चिप्स भाई बहुत ही लजीज होते हैं चिप्स खाते। सर एक बार वैरायटी देखो, ऑलिव्स हैं, ब्लैक ऑलिव्स हैं, और ये पता नहीं कैप्सिकम क्या क्या रखा हुआ है इसके पास यार। एक चिप्स वाले के पास सॉसेस देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सॉसेस हैं। दो बाबू स्पेशल, अगर भैया पूछें दो बाबू स्पेशल स्मॉल मीडियम लार्ज स्मॉल। बेस्ट चिप्स एवर, आज तक जितनी भी खाई सबसे अच्छी है। इसके साथ यार बोतल ना हो तो फिर मज़ा ही अलग है ना यार। लेकिन पेप्सी वालों ने ना पेप्सी स्ट्रॉन्ग करके बहुत गलत कर दिया है, पेप्सी स्ट्रॉन्ग करनी नहीं चाहिए। चिप्स तो भाई हमने खा लिया और अभी हम यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। इस गेम में हमारे साथ एक बच्चा ये है, एक ये, एक ये और एक ये। थर्माकोल से एक दूसरे को मारना है, दो वन वी वन होगा। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फराज और मेरा, आ जाओ। ओके अभी हमारी फाइट होने वाली है मुल्ला से, ये है भाई टोपी बाज और इससे हम फाइट करेंगे। आ जाओ, थ्री टू ओए हो, तरक्की कर रहा है। मुल्ले का हथियार गिर गया, मुल्ले का हथियार गिर गया भाई साहब। आगे मुल्ला इज बैक, मुल्ला इज बैक, मुल्ला इज बैक फॉर यार यार ट्रोल, मुल्ला इज बैक। हां बस खत्म। ये क्या है? 30 सेकंड का हमारा चैलेंज था 1v1 का, और आप लोग डिसाइड करोगे जीता कौन। हाँ ये मैं जीत गया, इतनी खुशी भाई। मैं विनर हो गया और मेरे साथ एक और बच्चा रेसलिंग करेगा और वो है ये। ये जीत, अभी हमारी फाइट है इस छोटे के साथ। आ जाओ स्टार्ट। हम दोनों का भी कराओ तो लड़ो यार, आओ जल्दी हथियार लाओ जल्दी आओ। बस बस खत्म करो, लग जाएगा बस बस वो तो। अब किसकी है? अभी इसके बाप को बुलाएंगे, उसको लगवाएंगे। तो भाई यार फायर काफी अच्छी कर ली है और एक चूजे को हमने यहाँ पे बंद कर दिया है। तो अब लगाते हैं भाई फराज के घर की लाइट, लगाए लाइट भाई, चलो अभी इसके घर की लगाते हैं, रात को मेरे घर की लगाते हैं। और हाँ दो मिनट रुको ना यार, मैं कर लूँ, मैं कर लूँ, ये बताओ बोलूँ पक्का? तो भाई हमारे घर पर आए हुए तोते और उसके घर भी भाई हमने पेंट वेंट किए, तो रात का वो सीन है। और मैंने यार ब्लॉग लेट स्टार्ट किया लेकिन खैर कोई बात नहीं, ब्लॉग में इंशाल्लाह खींच दूंगा। तो सीन आ गया, अभी लगा दे लाइटें। चलो अवेज लगा रहे भाई लाइट के तार। ओए वो बच्चा चोरी कर रहा है, उसको हमने लगा दिए काम पे, वो यहाँ पे खड़ा रहेगा और यहाँ से लाइट रोल करके कांटों में लगा के हमें भाई भाई मुझे को चोर चल रहा है। चोर नहीं हो, हमारा दोस्त है भाई, ये चोर नहीं है। ओ चोर यहाँ पे आ, चोर यहाँ पे चोर। देखो भाई इतनी मेहनत से लाइट लगती है, यहाँ कोने पे आएगा ये, यहाँ पे कोने में आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा।
और उसको मैं समझा रहा हूँ कि करना है क्या, उसको समझ नहीं आ रही, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे और फिर उसको बता के करना है। ये बार मुझसे गया था, मैंने उसको समझा दिया कि कैसे लगानी कैसे नहीं करनी। अब चलते हैं ऊपर और डायरेक्ट वहीं के लगाते हैं कि यहाँ पे देखो पीछे नाते भी चलती है माशाल्लाह। अब ऊपर से मैं सेटिंग करता हूँ, नीचे से मैंने उसको समझा दिया कि क्या क्या करना है। और लाइट देखो यार कितनी बड़ी पड़ी हुई यहाँ पे, और एक और अंदर है। 20 minutes later. काम कर रहे थे, हमारे पास आ गई ये फ्रूट चाट, तो पहले इसको खाते हैं, इसके बाद काम कंप्लीट करना है। ये जो लाइट है ना, देखो दुआ करो सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है इसको लगाना। और दो लाइटें लग चुकी है, तीसरी है फिर खत्म। और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, माशाल्लाह यार बताओ दो लाइटें कैसी लग रही है। अब तीसरी लाइट लगा दे, इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट। 5 minutes later. फाइनली लाइटें लग चुकी है, वहाँ दिखाओ पहले। ये सारी लाइटें लग चुकी है, ये रहा तार, और अभी मैं बटन खोलता हूँ। भाई भाई धमाका नहीं हुआ, और यहाँ पे देखो यार माशाल्लाह। अभी मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ, चलो यार बच्चों नीचे चलते हैं, जल्दी 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 नीचे नीचे जल्दी जल्दी आ जाओ। कैसी है, पहले मैं इनसे रिव्यू लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको कैसी है। बिलाल मजेदार, मजेदार। और 3, 2, 1 ये देखो, ओए होए माशाल्लाह भाई मेहनत रंग ले आई। आए हाय क्या लाइटें लग रही हैं यार, ये देखो रंग ले आई भाई लाइटें, तो बढ़िया है, चीज बढ़िया है। बच्चे भाई तारीफें कर रहे हैं, 4 घंटे की मेहनत कामयाब हो गई। मैं आपको 2 सेकंड में टाइम दिखा रहा हूँ, टाइम देखो, रात के 1 बज रहे, मेरा मोबाइल 1% चार्ज है दूसरा वाला, और सारी मेहनत इसकी। मैंने क्या किया फिर, ऊपर लाइटें किसने लगाई भाई, कैसी लगी हमारी, हम सबकी 4 घंटे की मेहनत लगी, ये बताओ। पप्पू पप्पलस, पप्पू पप्पू पप्पू, ये क्या है, यहाँ पर कर दिए फराज के अब्बू ने दावत। बोला यार बच्चों तो दोनों इतनी मेहनत की, तो कुछ खाओ। बोला नहीं अंकल नहीं नहीं। फिर इसके अब्बा ने काफ़ी इंसिस्ट किया, और फिर अपने खाने बैठे हैं निहारी और लीमू और रोटी। देखो यार जो पंजाबी लोग होते हैं ना भाई, वो उसमें रोटी लेते हैं ताकि रोटी ठंडी ना हो, और हमारे यहाँ तो मेमनों में हॉट पॉट वाले ऐसा होते हैं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाते हैं। और फिर मैं आपको टेस्ट बताता हूँ, उनको यहाँ पे टेस्ट बताऊँ मैं आपको। बिस्मिल्लाह, पंजाब की निहारी, मजा आ गया, मजा आया भाई। खाना फिनिश हो गया, और जब बची हड्डिया वैसे हड्डिया खाओ। खाने के बाद आ रही है हमारी बोतल, तो बोतल भी पीते आओ। खाना खा लिया भाई, हम चलते हैं घर, और मैं आपको ज्यारत कराता हूँ अपने तोते शरीफ की, तोतों भी ज्यारत कराता हूँ और उनके घर भी दिखाता हूँ। यार मैंने तुम लोगों को कहा था कल रात को घर पर आने के बाद कि मैं तुम्हें तोते की ज़ियारत कराऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई 2 बज चुके थे, और तुम्हें पता है यार वो परिंदे हैं, इंसान नहीं, तो वो तो सो जाते हैं, तो मैंने उनको उठाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अभी हम चलते हैं और मैं तुम्हें अपने तोते दिखाता हूँ, तोते हैं कैसे। पहले भाई हमारे पास है ये कॉकटेल 2, 1 जोड़ी ये ही और एक ये रहा, इसके बेचारा तनहा पड़ा हुआ, लेकिन इसके लिए कोई इसकी जोड़ी लानी है। अब देखना है ये नर है या फिर मादा, तो उस हिसाब से जोड़ी लाएंगे। और फिर हमारे पास आते हैं एक फिशर, 1 जोड़ी फिशर की ये रही, और दूसरी ये रही माशाल्लाह, और तीसरी ये रही, ये हाँ ये रहे दोनों सही। और इसके बाद भाई हमारे पास आती हैं ये चुड़िया। अब चुड़ियाओं के घर देखो, फिंचेस कहलाती हैं ये, इतनी सारी हैं माशाल्लाह ये। और आप इनके घर देखो यार, घर कैसे, इंसानों के भी ऐसे घर नहीं होते यार, नहीं मेरा मतलब होते हैं, लेकिन ये यार काफ़ी अच्छे घर हैं इनके माशाल्लाह। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो यार ये फिशर ही हैं, मेरे को जहाँ तक अभी तक लगा है ये खूबसूरत ये फिशर ही है। अब इनके घर क्यों नहीं लगे हुए, उसकी मैं आपको वजह बताऊं, क्योंकि इनके घर इसलिए नहीं लगे हुए क्योंकि यार ये लोग जो फिशर होती है ना, ओ ये जो फिंचेस होती है ना, ये एक दूसरे के बच्चे भी पाल लेती हैं, और ये जल्दी मतलब अपने जोड़े बना लेती हैं। और जो ये फिशर होते हैं ना, ये काफ़ी मतलब थोड़ी दिनों बाद, मतलब पहले जगह चेंज होने के बाद, तो ये काफ़ी थोड़े दिनों के बाद फिर ये अपनी जोड़ी बनाती है, और फिर जो अंडे बच्चे वाला सीन होता है वो होता है ब्रीडिंग का। लेकिन अभी इनको आए हुए 2-3 दिन हुए, ये देखो ये चिल्लाते कैसे, अरे कहना क्या चाहते हो। इनके बच्चे अच्छे होंगे जब मैं आपको दिखाऊंगा, और जब इन फिशर और कॉकटेल के जब घर कलर होंगे ना, जब दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा अभी का सीन ये है कि हमारी बिल्डिंग में है मस्जिद, तो बयान है निगरानी शुरा का,
तो हमें वहाँ पे जाके लाइट चलानी है, और ये जो पेज हमारी बिल्डिंग है उसके एडमिन हम हैं, तो भाई इससे हमें जाके लाइट चलानी है नीचे। नहीं, इससे पहले खाना वाना खाना है, खाना खाते नहीं चलते नीचे। खाने में हमारे पास बिरयानी, चुपचाप बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं। और भाई माइक उठा लिया, चलते हैं नीचे और चलाते हैं लाइट। मिलाद के बाद भाई अब्दुल हबीब तारी ईशा की नमाज़ पढ़ाते हुए बयान खत्म हो चुका है, और बयान के बाद आ चुकी है देगे, तो बिरयानी भी खानी तो यार ज़रूरी है, न्याज की बिरयानी और ऐसा हो गया। भाई ऊपर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, न्याज भी हो चुकी, बयान भी हो गया, हर चीज़ हो गई, और अभी मैं यहाँ पर बैठे बैठे देख रहा हूँ पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल, जो देख के मुझे यार काफ़ी अफसोस हो रहा है, क्योंकि टारगेट यहाँ पर आप देख सकते हो 210 का टारगेट है, और 10 ओवर हो गए, 68 रन बनाए, मतलब टारगेट का जो 50% है वो भी चेंज नहीं कर पाया पाकिस्तान। खैर ये तो इनके नसीब की बात है और इनके लक की बात है कि ये जीते हैं हारे। खैर मैं भाई यहाँ पे पढ़े जा रहा हूँ ताकि पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन वो जीतेगा तो भी इतना तो भाई मुझे उम्मीद है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान फाइनल नहीं जीत सकता ये वाला, क्योंकि यार टारगेट आपके सामने सर के ऊपर से जा चुका है। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करना है, और एंड करने से पहले जैसा कि मैंने आपको कहा था, जो जो अभी तक जुड़ा हुआ है तो उनके लिए ये थी बात कि यार मैं आपको वो बात बताऊं कि मैंने पुराने चैनल से न्यू चैनल पे क्यों आया, और भाई तो यार पुराने चैनल से न्यू चैनल पर आने की वजह यही है कि पुराने जो चैनल पर ना जो मैंने गुस्से में आके सारी वीडियोज़ डिलीट कर दी थी, क्योंकि यार उस वक्त था ना एक गुस्सा था और सपोर्ट नहीं था, तो इसलिए मैंने वीडियो डिलीट कर दी। और फिर जब आपको पता है जब आप वीडियो डिलीट करते हो तो वो जो चैनल होता है वो बिल्कुल मतलब ख़त्म हो जाता है, ट्रेंडिंग से ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए भाई आपके भाई ने न्यू चैनल बनाया, बस यहाँ पे भी सपोर्ट कर दो, लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर देना, ये हो जाती है और कोई वजह नहीं थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।